ਸਸਿਕਾਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਭਾਵਨਾ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਮੌਕੇ ਯੂਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ इस मौके नवजोत सिंह सिद्धू दी यूपी प्रशासन ते अधिकारियों दे नाल तिखी बहस भी हुई ते सिद्धू बहुत गुस्से विच नजर आए सिद्धू ने कहा कि प्रदर्शन करना उन्हां दा मौलिक अधिकार है सिद्धू दा कहना है कि उन्हां नूं अगे वधण तों कोई नहीं रोक सकदा सानू गिरफ्तार किया जाए नहीं तो प्रशासन वालों बैरीकेटिंग दे नाल वड्डी गिनती विच पुलिस लगाई गई है जबकि सिद्धू दे काफले वालों बैरीकेटिंग तोड़न की कोशिश की जा रही है दस दिए कि यूपी प्रशासन वालों पांच लोगों नूं अगे जाण दी इजाजत दिती गई है जबकि सिद्धू पूरे काफले दे नाल जाना चाहते सन यूपी बार्डर से सिद्धू काफले नूं रोकण तों बाद पुलिस ने कांग्रेसी आगुआं नूं गिरफ्तार करना शुरू कर दिता इसदे चलते कैबिनेट मंत्री राजा वड़िंग विजय इंदर सिंगला सने कई हिरासत में भी लै लिया गया तो उन्होंने शाहजहांपुर पुलिस थाने लिजाया गया जिथे वह थाने के अंदर ही धरना लगा के बैठ गए ने नारेबाजी शुरू कर दी है लखीमपुर हिंसा नूं लैके सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखाई दे रही है इस मामले विच सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार नूं पुछिया है कि मुलजमां दे खिलाफ FIR दर्ज कीती गई है कि उन्हां नूं लखीमपुर खेड़ी हिंसा दे संबंध विच गिरफ्तार किया गया है इस घटना विच चार किसानां दी मौत भी हो गई है चीफ जस्टिस सैनवी रमना जस्टिस सूर्याकांत अते जस्टिस हीमा कोहली दे बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार वल्लों पेश होए वकील नूं स्टेटस रिपोर्ट विच इस संबंध विच जानकारी देने दे निर्देश दिते ने वकील ने बेंच नूं दस्या कि घटना दी जांच लई एक न्यायिक कमीशन दा गठन कीता गया ते सूबा इस मामले विच स्थिति रिपोर्ट दायर करेगा सुप्रीम कोर्ट ने अगले मामले दी सुनवाई 8 अक्टूबर शुक्रवार लई तय कीती है इस तों पहला दोपहर नूं सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि ओह उन्हां दो वकीलां दा पक्ष जानना चाहुंदे आ जिन्हां ने लखीमपुर खीरी घटना दी CBI नाल उच्च पद्धरी जांच दी बेनती कीती सी कांग्रेस ने पहले नवरात्रे मौके अनोखा प्रदर्शन किया इस मौके कांग्रेसी वर्करा ने घरेलू गैस दीयां वध रहीयां कीमतां नूं लैके गैस सिलंडर दी पूजा कीती कांग्रेस ने LPG दी कीमत विच 15 रुपए दे वाधे नूं लैके केंद्र सरकार नूं निशाना बनाया अते कहा कि पेट्रोल डीजल अते LPG दीयां कीमतां घटा के आम लोगों नूं राहत प्रदान की जाए कांग्रेसी आगू अलका लांबा ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नवरात्रिया की शुरुआत विच घरेलू गैस की कीमत वधा के लोगों नूं परेशान किया है पेट्रोल अते डीजल दीयां कीमतां विच लगातार वाधा हो रहा है हुण नवरात्रिया की शुरुआत से मोदी सरकार ने रसोई गैस की कीमत विच 15 रुपए का वाधा किया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार विच कच्चे तेल की कीमत $140 प्रति बैरल सी पर हुण यह $87 प्रति बैरल है करोड़ों लोगों के सबसिडियां छड्डन के बावजूद LPG की कीमत विच लगातार वाधा होया है यह चंगी गल है कि दीवे जगाने चाहिए ने पर अज दीवे विचों सरों के तेल की कीमत 220 रुपए प्रति लीटर है साढ़े प्रधानमंत्री नूं इस बारे जवाब देना चाहिए है नवरात्रि का दिन है हाँ त्योहारों की शुरुआत होती है दुर्गा की पूजा होती है हर देवी का रूप पूजा जाता है इसलिए कि अब जो कष्ट हैं वो कटें और जिंदगियों में राहत मिले तरक्की हो इसी के लिए पूजा होती है लेकिन पहले दिन ही नवरात्रि के प्रधानमंत्री जी की तरफ से सुबह के अखबार में आता है कि गैस के घरेलू गैस के दाम 15 रुपये और बढ़े ये और करके आज गैस की कीमतें जो हैं लगभग 1000 रुपये घरेलू गैस की कीमत 1000 रुपये पहुंच चुकी है वो भी कब जब देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है ऐसे समय पर ये तोहफा प्रधानमंत्री जी की तरफ से अगर नवरात्रि के पहले दिन में देशवासियों को मिलेगा तो कैसे चलेगा प्रधानमंत्री जी लखनऊ गए होमवर्क देकर आ गए कि 9 लाख नहीं 18 लाख दिए जलने चाहिए हम 134 लाख देशवासी 134 लाख दिए जलाने को तैयार हैं पर प्रधानमंत्री जी को भूलना नहीं चाहिए दिए पानी से नहीं तेल से जलेंगे और वो तेल की कीमत जो है सरसों का भी तेल से जलाएं तो 200 रुपया लीटर पार हो चुकी है नवरात्रि है इसलिए आज पूजा करते कि कष्ट तले हमारे ऊपर और ये कष्ट है ये जो कष्ट है ये सिलेंडर खरीदना हर घर का कष्ट हर घर घर में ये कष्ट है
और इस कष्ट को भी कटे आज उसी के तौर तरीकों पे, जैसे पूजा पाठ करते हैं अपने कष्ट दूर करने के लिए, आज हमने भी सिलेंडरों को हार डालकर इस कष्ट को इन नवरात्रियों में प्रार्थना दुआ उसी तौर तरीके से धूप अगरबत्ती फूल माला हार करके प्रार्थना की है कि ये कष्ट टलना चाहिए। मनमोहन सिंह जी की सरकार में $140 प्रति बैरल था, तो आज $80 प्रति बैरल है। उस समय कीमतें कभी 100 पार नहीं हुई थी, आज 103 रुपए है। तो हम तुलना कर रहे हैं, सब्सिडी आपने खत्म कर दी, हमारे टाइम पर 1,40,000 करोड़ सब्सिडी थी, आज सब्सिडी जो फर्स्ट क्वार्टर है बताता है 108 करोड़ की सब्सिडी खत्म कर दी। टैक्स आपने ऊंचाइयों पर, कीमतें बढ़ रही, कोई राहत नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा इस सरकार को। अखबार की हेडलाइन पढ़ते हुए दुख होता है, कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए। तो क्यों नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अगर कंपनियों को ही दाम बढ़ाने और कम करने हैं तो अब का नारा दे दीजिए कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार पूंजीपतियों की पूरी तरह से सरकार, सिर्फ मोहरा नहीं बिठाएंगे पूंजीपति, अब पूंजीपति मित्र पीछे से नहीं कुर्सी भी सौंप दीजिए। श्रोमणी अकाली दल के मुखी सुखबीर सिंह बादल ने नवरात्रियां मौके माता चिंतपुरनी दे दरबार विच हाजरी भरी ते सीस निवाया। उन्हां दे नाल एनके शर्मा अते साबका मंत्री अनिल जोशी भी मौजूद सी। मंदिर दे पुजारियां ने सुखबीर सिंह बादल नूं माता दी चुन्नी भेट कर आशीर्वाद दिता अते ए वी कहा कि ओह वादा करके जाण के सत्ता विच आउण तों बाद ओह दरबार च हाजरी लगवाउण जरूर आउणगे। सुखबीर ने कहा कि ओह जरूर आउणगे, इस तों बाद उन्हां ने मंदिर विच कन्या पूजा भी की। दस दिए कि माँ दुर्गा की पूजा का त्यौहार नवरात्रे अज तो शुरू हो गया है और अगले 9 दिनों तक माता राणी की खास पूजा अर्चना भी की जाएगी। तेज हुण तक दिया खास खबर, वधेरे जानकारी लिए जुड़े रहो दैनिक सवेरा दे नाल, ते जांदे जांदे नजर मारदे आ अज दिया खास खबर ते। हरियाणा यूपी बार्डर ते रोकिया सिद्धू का काफला, सिद्धू की पुलिस अधिकारियों नाल होई तिखी बहस। हिरासत में चले गए आगू के कांग्रेसी वर्कर। लखीमपुर मामले नूं लेके सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी सरकार नूं पुछिया हुण तक किन्ने आरोपी किए गए गिरफ्तार। रसोई गैस से हुए वादे नूं लेके कांग्रेस दा अनोखा प्रदर्शन, गैस सिलेंडर दी कीती पूजा।